हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं श्री कृष्ण जी का वो गोवर्धन को उठाया था वो सीन। सो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो पे सिर्फ 10 लाइक्स का एम है, सो वो कंप्लीट कीजिए गाइस, क्योंकि मैं मेहनत काफ़ी करता हूँ। और सो लेट्स स्टार्ट। सो गोवर्धन का सीन बनाने के लिए गाइस हमें काफ़ी इमेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो हमने यहाँ से वहाँ से इमेजेस काफ़ी उठा ली है। सो ये इमेज इस ज़माने की है, सो उसमें थोड़ा रोड दिखाया है, सो वो हम आगे जाके रिम्यू करेंगे। सो इसके पहले गाइज, डार्क थीम रखने के लिए मैंने इसकी लेवल्स में जाके इसका लेवल कम कर दिया है और उसे डार्क कर दिया है। और एक और इमेज मैंने ली है जिसे बैकग्राउंड में प्लेस करके हम उसके भी जो है डार्कनेस वो हमारी मतलब इस इमेजेस के साथ मैच करेंगे गाइज। सो हमेशा की तरह कलर ग्रेडिंग करेंगे थोड़ी सी, और फटाफट से चीज़ें जो ऐड करनी है वो ऐड करेंगे गाइज। सो इसके बाद मैंने एक मेन इमेज ली है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर मतलब श्री कृष्ण भगवान खड़े होने वाले हैं जिसके ऊपर। सो उसके लिए भी मैंने एक इमेज को कट कर लिया है और रखा है। सो ऐसा दिखाने वाले हैं कि उन्हें बड़े स्केल पे दिखाने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान को, और उसके नीचे मतलब उस पर्वत के नीचे गाँव मतलब जो गोकुलवासी थे उन्हें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आते हो और इंटरेस्ट है आपका तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए गाइज। यहाँ पे हम काफ़ी मेहनत करते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं। सो गाइज, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये इमेज एकदम परफेक्ट मिली हमारे मतलब भगवान के कैरेक्टर के लिए। सो फटाफट से इसे भी पेन टूल की मदद से कट करेंगे, और भगवान का जो मतलब ब्लू कलर तक में ज़्यादातर उन्हें दिखाया जाता है, सो वो कलर उनके को फटाफट देंगे। सो गाइज, ये कम रेजोल्यूशन की इमेज है, सो फिर भी हमारा काम इससे चल जाएगा गाइज, इसमें कोई दो राय नहीं। सो फटाफट से एक्स्ट्रा एजेस को भी मैंने कट कर लिया, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसे भी इरेज कर लिया। और उसके बाद हमने पेंटूल की मदद से ही मतलब श्री कृष्ण भगवान का जो पंचा था वो भी बनाया है। उसके बाद गाइज, मैं इसमें ओरिजिनल टेक्सचर्स लगा देने वाला हूँ। सो उससे क्या होगा कि इमेज में एक बेसा मतलब इमेज में एक रियलिस्टिक इमेज लगेगी। सो उसके पहले हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पेंटूल के साथ, क्योंकि हमें एक बेस पता चल जाएगा गाइज कि हमारी इमेज किस तरह से होगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम टेक्सचर्स लगा देंगे, सो मुझे वैसा ही धोती का एक टेक्सचर मिला, सो उसे भी मैंने कट करके हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर में लगा दिया, और ये काफ़ी दिखने में भी बेहतर लग रहा था। सो जहाँ पे गाइज नहीं चाहिए वो पार्ट मैंने इरेजर किया फटाफट से। और गाइज, ये स्टेप काफ़ी ध्यान से करना होता है, क्योंकि फ़ोटो मैनिपुलेशन यानी कि सिर्फ चीज़ें आपको चिपकानी नहीं होती है, उन्हें मतलब एक रियलिस्टिक अंदाज से दिखाना भी होता है। सो गाइज, वैसे ही मैंने एक और पंचे का मतलब लाल कलर के वस्त्र का इमेज लिया, और उसे भी हमारे मतलब श्री कृष्ण भगवान के वस्त्रों में लगा दिया, क्योंकि ये सीन है गाइज गोवर्धन का सीन जो है वो मतलब रेनी सीजन में हुआ था। सो उसके तब हवा ज़्यादा लगती है, सो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सो श्री कृष्ण भगवान का भी जो मुकुट है फेटा, सो वो भी मुझे ऑनलाइन मिल चुका था, सो उसे भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, और जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने मैन्युअली ड्रॉ कर दिया ताकि ये इमेज एकदम रियलिस्टिक बने। सो गाइस, ढूंढने से काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, सिर्फ हमें थोड़ा सा वक्त हमारा देना होता है ढूंढने में। सो ज्वेलरी भी मुझे आसानी से मिल गई, और उसकी ही है हम एक कॉपी बनाएंगे। और गाइज, ज्वेलरी की कॉपी हम उसके नीचे ही जस्ट एडजस्ट करेंगे ताकि वो भरा भरा दिखे, और वही कॉपी उल्टा के हम हैंड्स पे भी लगाने वाले हैं, मतलब उनका हैंड का जो बैंड मतलब कुछ कहते हैं वो होता है वो। सो उसे भी हम मतलब गोल्डन कलर का जितना एरिया है वो हम इसी एक ज्वेलरी से कवर करेंगे। सो गाइज, जब आपके पास मतलब क्रिएटिविटी होती है सो चीज़ें आसान हो जाती है, जिस तरह से मैंने किया आप वैसे फोटो मैनिपुलेशन आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास वो एक मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सो गोवर्धन के लिए मुझे एक परफेक्ट इमेज चाहिए थी, सो मुझे वो परफेक्ट इमेज मिल चुकी है। सो उसे ही हम हमारे इमेज के अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट करेंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करने के बाद थोड़ा सा उसे एडजस्ट करेंगे ताकि वो हमारे ओरिजिनल इमेज के साथ जो है वो मेल खा जाए। और जो उंगली थी गाइज श्री कृष्ण भगवान की, उसे हम मैन्युअली बनाएंगे, क्योंकि जो मतलब मैंने इमेज ली थी वो डांसिंग करने वाले गाय की इमेज थी, सो वो क्या होता है कि वो इमेज मतलब वैसे फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैंने
मतलब मैन्युअली ड्रॉ किया, और उसके बाद पर्वत का जो मतलब हिस्सा एक्स्ट्रा हिस्सा था उसे भी मैन्युअली मैंने ड्रॉ कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण भगवान ने वो पर्वत अपनी उंगली से उठाकर उखाड़ कर अपनी उंगली पे रखा है। सो ऑब्वियसली एक पर्वत है बड़ा, तो वहाँ पे पानी तो होगा गाइस। सो AI की एक इमेज हमने और ली और उसकी ही इमेज को इरेज करके थोड़ी उसकी कॉपीज़ को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद शेडोज़ का पार्ट आता है गाइस। शेडोज़ बनाने के लिए जहाँ पे मतलब जहाँ पे लाइट शेडोज़ थी वहाँ पे लाइट शेडोज़ दी मैंने, और जहाँ पे डार्क शेडोज़ थी वहाँ पे डार्क शेडोज़ दी है। आइज़ बनाने की कोशिश की गाइस, पर इतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने वो पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि ये इमेज है एक लो रेजोल्यूशन की, सो उस पर हम ज़्यादा मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते। सो वैसा ही टेक्सचर दिखाने के लिए मैंने वस्त्रों पे भी श्री कृष्ण भगवान के टेक्सचर लगाया है। जहाँ पे डार्क था वहाँ पे डार्क शेडो दी है, और जहाँ पे लाइट शेडो है वहाँ पे लाइट शेडो दी है, ताकि इमेज में एक रियलिज्म आता है गाइज, और जहाँ पे मतलब आपको ऐसा ना लगे कि इमेज मतलब वाहियात लगे। सो चीज़ें आप जितना बढ़िया करते हैं उतना बढ़िया हो जाती है गाइज, सिर्फ आपको क्रिएटिविटी के हिसाब से और कलर ग्रेडिंग करते रहना चाहिए गाइज। सो उसके लिए मैं पहले ही आपको बताया था वृंदावन का वो सीन दिखाएंगे। सो मैंने एक इमेज ली थी गाँव की, सो उस गाँव को मैंने कट करके हमारे ओरिजिनल इमेज में प्लेस किया, और जहाँ पे भी इरेज करना था वहाँ फटाफट से इरेजर की मदद से इरेज किया। और गाइज यही कॉपीज बना बना के मैंने वो वापस वहीं पे चिपका ली, ताकि एक ऐसा लगे कि पूरा गांव वहाँ पे है। सो गाइज मेहनत काफ़ी लगती है ऐसे मतलब इमेजेस को बनाने के लिए। सो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी मोटिवेट करता है। सो गाइज 10 लाइक्स का एम है वो पूरा कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए गाइज। सो फ्यूचर में भी ऐसे ही अपडेट्स ज़रूर आएंगे। सो तरह तरह की चीज़ें चिपकाने के बाद और कुछ कलर एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा फाइनल जो आउटपुट निकल के आने वाला है वो कमाल का होने वाला है गाइज। सो बांसुरी की भी मैंने एक इमेज ली थी, उसे हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चिपका लिया गाइज। सो ये इमेज कम रेजोल्यूशन की थी, इसके लिए इतना बेहतरीन नहीं दिख रही है, पर हमारे काफ़ी मेहनत के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है गाइज वो कुछ ऐसा होगा। आई होप गाइज ये आर्ट वर्क आपको पसंद आया हो, और भगवान श्री कृष्ण जी की इमेज भी आपको पसंद आई हो। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।